प्रणाम, हम है जूली। रउआ सभे खबर तो दिन भर देखत बानी, सुनत बानी, बाकी रउआ सभे खबर के अंदर के खबर से अनजान बानी। कौनो बात नहीं है, हम रउआ सबके ना खाली आपन बोली और आपन भाषा में खबर के बताएं, बल्कि खबर के बुझाएं भी। माने कि हम रउआ सबके खबर के अंदर के खबर बताएं, रउआ सबके खबर के समझाएं। तो चली शुरू कर जाओ खबर के बुझी। सबसे पहले बात शराबबंदी के। बिहार में शराबबंदी पर बहस ढेर दिन से चलल आ रहल बा। यही बीच राज्य के मद्य निषेध मंत्री रतनेश सदा के एगो बयान से बवाल मच गयी। एगो कार्यक्रम में रतनेश सदा कहलन कि छोट छोट लालच पे SC ST समाज के लोग शराब घरे घरे पहुंचावत बड़न और पकड़ात बड़न। मंत्री जी के बयान के बाद जम के सियासत गर्मा गयी। शराबबंदी पर सियासत के समझल जाये, लेकिन पहले एगो रिपोर्ट देखी। के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। बिहार में शराब पियल, पियावल और बेचल अपराध बा। एहमे से कौनो आरोप में पकड़ैला पर सजा होई, काहे कि एहिजा शराबबंदी जैसन कड़ा कानून लागू बा। एह सब के बीच राज्य के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा कहत बाड़े कि शराब मंगवैला पर घरे घरे पहुंच जा रहल बा, और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को। रत्नेश सदा एहिजे ना रुकलन, उ तो इहो कहत बाड़न कि शराब माफिया छोट मोट लालच देके गरीब लोग के फंसा लेवेलन और ही आपन गाहक लोग के पास उनका से घर पे शराब भेजवावेलन। पुलिस भी लालच में फसल लोग के पकड़ के जेल भेज देत बिया और बड़का लोग जे शराब बेचवावत बा उ बच जात बा। शराबबंदी पर मंत्री रत्नेश सदा के एह बयान के बाद बिहार के सियासत में आग लाग गईल बा। विपक्ष के नेता मंत्री जी के बहाने सरकार पर सवाल उठावे लागल बाड़न और पूछत बाड़न कि ई कैसन शराबबंदी लागू बा। अब इस बात को जब बिहार सरकार के मद्य निषेध माननीय मंत्री उत्पाद विभाग के उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, अब सरकार की पूरी पोल खोल गई, सरकार तो एक्सपोज हो गई। विपक्ष सवाल पूछत बा, बाकी सरकार में शामिल दल के लोग कहत बाने कि मंत्री जी गरीब और SC ST समाज के लोग के सावधान करत बाड़े कि बच के रहे के जरूरत बा। 8 वर्ष होने को है जिस जंगल राज में गांव गांव तक मद्रालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। भाजपा शुरू से इसके पक्षधर रही है। शराबबंदी फेल बा की पास, यह पर ढेर दिन से बहस जारी बा। माझी भी ऐसन बात ढेर दिन से बोलत बाने, बाकी पहला बार कौनो मंत्री खोल के कहलन कि शराब मंगवैला पर घरे घरे पहुंच जात बा। News 18 खातिर सीतामढ़ी से राकेश और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब शराबबंदी में शराब की होम डिलीवरी के बुझी। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू बा। शराबबंदी नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट है। शराबबंदी खातिर नीतीश कुमार हर व्यवस्था कैले बड़न। ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर तक से निगरानी शुरू भइल। चौकीदार से लेकर के SP तक के जिम्मेदारी तय कैल गई। ओकरा बादो बिहार में शराब आसानी से मिल रहल बा। खुद नीतीश कुमार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा बात के मनले बड़न। रत्नेश सदा की मानल जाओ तो बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रहल बा। शराब माफिया SC ST समाज के गरीब लोग से शराब की होम डिलीवरी करा रहल बड़न। रत्नेश सदा के कहनाम बा कि SC ST वर्ग के लोग सीधा साधा गरीब होखेलन और शराब माफिया ई लोग के छोटा छोटा लालच देके बहका लेवेलन। लेकिन जरूरी बा कि गरीब ऐसन माफिया के जानकारी पुलिस के देवे, ताकि ऐसन लोग के जेल में भेजल जा सके। सवाल बा कि जब बिहार में होम डिलीवरी हो ये रहल बा, तो शराबबंदी कौना काम के। अब शराबबंदी के कड़ा कानून के बाद भी पिछला 2.5 साल से बिहार में
5,35,000 पेकर पकड़ाई लन। ए पकड़ाई गई लोग में पहला बेर शराब पी के पकड़ाई लोग के संख्या 4,90,000 बा। बिहार में शराबबंदी के कानून लागल बा, एकरा बाद भी ना शराब के तस्करी रुक रहल बा, ना शराबी के संख्या घट रहल बा। एक आंकड़ा के मुताबिक पिछला 2.5 साल में 5,35,000 लोग के शराब पिए के अपराध में पकड़ल गए। एह में पहला बेर शराब पियत पकड़ल गई लोग के संख्या 4,90,000 बा। जे लोग पकड़ल गईलन उनका से 142 करोड़ जुर्माना भी वसूलल गई। 1 अप्रैल 2022 के शराबबंदी कानून में बदलाव करके जुर्माना के नया नियम जोड़ल गए रहे। पहला बेर शराब पी के पकड़ेला पर 2,000 से 5,000 रुपया जुर्माना लगेला। जुर्माना ना देला पर 1 महीना के जेल के औरी सजा भोगे पड़ेला। एकरा अलावा दूसरा बेर पकड़ेला पर 1 साल के सजा बा। कानून में बदलाव के बाद पकड़ेला पर आरोपी जेल जाए के बदले जुर्माना देकर छूट जा रहल बाड़न। मतलब शराबबंदी के बाद सरकार के कमाई भी हो रहल बा और चोरी छिपे शराब तस्कर के धंधा भी चल रहल बा। एह बीच एगो बढ़िया बात ई बाकी 2.5 साल में दूसरा बेर शराब पी के पकड़ल गई लोग के संख्या खाली 9,451 ही बा। न्यूज 18 के खातिर पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब शराबबंदी के सच्चाई बुझी जा। कहे के तो बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू बा, लेकिन ना तो पियल बंद भइल ना शराब के बेचल बंद भइल। पिछला 2.5 साल से आंकड़ा तक चौंकावे वाला बा। पिछला 2.5 साल की अगर बात करी जा तो 5,35,000 लोग शराब पिए के अपराध में पकड़े ले। इसमें पहला बार शराब पियत पकड़ल गए लोग में संख्या 4,90,000 बा। यह लोग से 142 करोड़ रुपया वसूल गई जुर्माना के रूप में और ओकरे बाद उनका लोग के छोड़ दिया गई। बुझे वाला बात ई बा कि पहले शराबबंदी कानून बहुते कड़ा रहे, लेकिन 2022 में शराबबंदी कानून में संशोधन कर गई। संशोधन के बाद जुर्माना दे के छोड़े के प्रावधान कर दिल गई। पहला बार शराब पिए पर 2 से 5 साल के जुर्माना के नियम 2 से 5,000 के जुर्माना के नियम लागू भइल। जुर्माना ना भरला पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना के सजा मिली। दूसरा बार शराब पी के अगर वह पकड़ल जाय तो 1 साल तक के सजा देवे के नियम बनल बा। यह कारण बा कि पहला बार शराब पिए वाला जुर्माना दे के छूट जात बाड़े। मतलब ई कि शराबबंदी में पियल आरु पियावल दोनों जारी बा। ऐसे और ज्यादा कड़ाई कैला के जरूरत बा। शराब के बाद अब मुफ्त बिजली के बात कर जाओ। मुफ्त बिजली देवे के जन वादा कर जाता ओकर बात कर जाओ। आरजेडी नेता और लालू राबड़ी के छोट बेटा तेजस्वी यादव ए घड़ी आभार यात्रा पर निकलल बाड़न। यात्रा पर निकलते ही तेजस्वी यादव सत्ता में आइला पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देवे के ऐलान कर दलन कि अब हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देहम। जकरा बाद अब राज्य में सियासत गर्मा गेल बा। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी 1.5 साल के समय बाकी बा। बाकी नेता जी लोग जनता के मुफ्त के रेवड़ी से रिझावल शुरू कर देले बाड़न। तेजस्वी यादव एह घड़ी आभार यात्रा पर निकलल बाड़न। यात्रा के शुरुआत में ही दिल्ली के केजरीवाल सरकार के तरह मुफ्त बिजली के हथियार बना रहल बाड़न और आरजेडी के सरकार बनला पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देवे के वादा कर रहल बाड़न। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 2025 में आरजेडी के सरकार बनला पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देवे के तेजस्वी के वादा पर नीतीश और चिराग के पार्टी के नेता चंच कस रहल बाड़न कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। आदरणीय तेजस्वी जी बताएं कि इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माता जी राबड़ी देवी जी के शासनकाल में कितना बिजली फ्री दिए थे। बिजली फ्री देने तो दूर की बात है, गाँव का गाँव बिजली के लिए तरसता था।
बीजेपी के नेता कह रहल बाणे कि तेजस्वी चुनाव के देख के ई सब बोल रहल बाणे। बाकी मोदी सरकार तो पहले ही से सूर्य घर बिजली योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली के जुगाड़ कर देले बिया, जौना से लोग कमाई भी कर सकेला। ये जिस बिजली की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ने 200 यूनिट से ज्यादा मुफ्त बिजली का इंतजाम कर दिया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत न सिर्फ आप 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाएंगे, बल्कि ज्यादा बिजली होने पे आप इसे बाजार में बेचेंगे भी। मुफ्त इस तरह के राजनीतिक हवा देश में चल रहल बा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली पानी दे के सत्ता में बिया, पंजाब में मुफ्त के लॉलीपॉप दे के सरकार बनैलस, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस मुफ्त के वादा करके सत्ता में आ गई। यह सब तरह के योजना से सत्ता में तो लोग आ जा रहल बा, बाकी एकरा से अर्थव्यवस्था के बड़ नुकसान हो रहल बा। ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के बा। फिलहाल तेजस्वी भी मुफ्त के पासा फेंक देले बाणे, देखी आगे होत बा का। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव 2025 में सरकार बनला पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देवे के वादा कैले बाड़े। ऐसा वादा कई राज्य में पहले भी कैल गई, लेकिन यह मुफ्त वाला सियासत के राज्य के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ल का होला असर उ आई बुझी जा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी ऐसा मुफ्त सुविधा के वादा कैल गई रहे, एकर खामियाजा दोनों राज्य की अर्थव्यवस्था के उठावे के पड़ल। हिमाचल में सरकार में एक तारीख के सैलरी तक ना दे पावल जाला, कहे कि हिमाचल प्रदेश कर्जा के बोझ के तले दब गइल बा। अब ई बुझी कि हिमाचल प्रदेश पर कर्जा काहे बढ़ल। 2022 में कांग्रेस हिमाचल के सत्ता में वापसी कैलस, अब चुनाव के पहले कैल गइल वादा पूरा कैल जा रहल बा। एकरा चलते हिमाचल सरकार के खर्च बहुत बढ़ गए, कहे कि सरकार के बजट के 40% खाली सैलरी आरु पेंशन में चल जाता, आरु बजट के 20% कर्जा ओकर ब्याज चुकावे में खर्च हो जाता। अब बिहारों में ऐसने मुफ्त वाला सियासत तेज हो रहल बा। तेजस्वी यादव सरकार बनला पर 200 यूनिट बिजली फ्री में देवे के वादा कर देले बड़न। अगर ऐसा नौबत आयल तो एकर असर बिहार के खजाना पर जरूर पड़ी, और हो सकता कि 2005 से पहले वाला स्थिति पैदा हो जाओ, जब सरकारी कर्मचारी के टाइम पर सैलरी भी ना मिल पावत रहे। अब बात बिहार में चल रहल जमीन सर्वे के लेके तरह तरह के बात हो रहल बा। केहू कुछ कहता तो केहू कुछ कहता, जितना लोग उतना बात। ई बात सुन के भूमि सुधार मंत्री राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के सामने जब आये तो वो कहलन कि घबराए के कोनो जरूरत नहीं खे, सरकार सबके परेशानी के समझत दिया। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहे। बिहार में जमीन के विवाद खत्म होके एकरा खातिर जमीन के सर्वे हो रहल बा। बाकी जब से जमीन के सर्वे के काम शुरू भइल बा, तब से अब तक कई तरह के बात सामने आ चुकल बा। केहू कागजात ना रहला से परेशान बा, तो केहू खानदानी बंटवारा के लेके परेशान बा। सबसे ज्यादा परेशानी बंसावली के लेके रहे। जैसे का बोले के कागज नहीं है, कुछ कागज दादा दिन लिए खेत, लेकिन का बोले की है नहीं। जो भी दिक्कत है कागजात में, वो सब आदमी को कहीं कहीं दूर दूर जा करके व्यवस्था करना पड़ रहा है। रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग काटवे नहीं करता है, बोल रहा है कि आप सीओ के यहाँ जाइए, सीओ पेपर घुमा के फेंक देता है। लोग के सब तरह के परेशानी के देख के बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के सामने आवे के पड़ल, और न्यूज 18 से उ कहलन की सर्वे के समय लोग के कोनो परेशानी ना होको उकरा खातिर सरकार काम कर रहल बिया। साथ ही उ इहो कह रहल बाड़न कि सरकार सबके साथ न्याय करी, परेशान होके के जरूरत नहीं खे। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहे। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा, ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत। बंसावली के लेके जमीन से जुड़ल दस्तावेज के बारे में मंत्री जी लोग से अपील करत बाड़े कि कौनो दुविधा में ना रहस, उनकर विभाग हर दुविधा के दूर करी।
को अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में तो उसको दूर किया जा रहा है, और बंसावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले बंसावली बना लें, और बंसावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहां पर वो सपोर्ट कर दें। बिहार में सबसे ज्यादा हत्या जमीन से जुड़ल मामला में होखेला। सरकार की कोशिश बा कि ये समस्या के जड़ से इलाज होखे, एकरे खातिर जमीन के सर्वे हो रहल बा। शुरुआत में कुछ परेशानी हो रहल बा, बाकी उम्मीद कइल जाता कि आवे वाला दिन में सब ठीक हो जाई। न्यूज 18 खातिर पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब जमीन सर्वे पर का कंफ्यूजन बा पहले ई बुझे जा। सबसे पहला सवाल ई बा कि सर्वे में कौन कौन फार्म की जरूरत पड़ी, सर्वे कौन कौन कागज जरूरत बटे सर्वे करावे खाती, सर्वे खाती कौन कौन कागज तैयार करावे के पड़ी। गैर मजरूरा जमीन के अब का हुई एगो सवाल बटे। वंशावली कैसे बनावल जाई एगो सवाल इहो उठता, और वंशावली बनावे में सरपंच के का भूमिका बटे ई एगो सवाल बड़का जमीन सर्वे के लेके उठता। आई जा एह तरह के हर कंफ्यूजन के हम दूर कर देता नहीं। खुद से तैयार कइल गइल प्रपत्र जमा करे के पड़ी। जमाबंदी वाला रैयत अगर जिंदा होखस तो स्वघोषणा पत्र देवे के पड़ी। जमीन के रिकॉर्ड आरु परिमाप भर के जमा करे के बाद खतियान के ओरिजिनल कॉपी के भी जरूरत इमें नहीं है। खुदे वंशावली तैयार करके अंचल शिविर में जमा करे के हुई। वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। राजस्व रसीद के कॉपी जमा करे के बाद हालांकि राजस्व रसीद के अपडेट कॉपी जरूरी नहीं है। अगर जमीन बदलायन भइल बा तो ओकर दस्तावेज जमा करे के पड़ी। कोर्ट के अगर कौनो आदेश होखे तो ओकर फोटो कॉपी जमा करे के पड़ी। फिर भी अगर कौनो गलती रह जाता तो गलती के सुधारे खातिर रवा के 3 मौका मिली। बिहार में सियासत कब कौन बात पर शुरू हो जाई और कौन बात पर कौन दिशा में मुड़ जाई ई कह पाल मुश्किल बा। हाल के दिन में आरजेडी चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रहल बा और कहत बा कि दोनों में झगड़ा लगा के बीजेपी आपन हित साधत दिया। ए पर बीजेपी कहत दिया कि चाचा भतीजा के बीच हम झगड़ा नहीं ही लगावत, हम दोनों के साथ लेके चल रहल बानी। चिराग और पशुपति पर हो रहल सियासत के मायने समझल जाई, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखी। पहले पशुपति पारस अमित शाह से मिललन, फिर एकरा बाद बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिललन। एक मुलाकात के बाद बिहार के सियासत गरमा गई। आरजेडी के नेता कहत बाड़े कि बीजेपी अपन राजनीतिक हित साधे खातिर चाचा भतीजा में झगड़ा लगावत बिया। भारतीय जनता पार्टी जिन एलआई पार्टनरों को अपने साथ रखती है पहले उसी को ले लेती है, और लेने के बाद फिर उसको कमजोर करती और अपने साथ मिला लेती है। आरजेडी के आरोप के सुन के पशुपति पारस खिसिया गेलन और कहत बाड़न कि ऊ अभी एनडीए में बाड़न और 2025 के चुनाव भी एनडीए के साथ मिल के लड़ी हन। आरजेडी अपन घर देखो। देखिए आरजेडी का जो ये कहना है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी गठबंधन में मैं भी हूँ, बीजेपी गठबंधन में एनडीए गठबंधन में सभी लोग हैं, इसमें आपस में लड़ाने की बात नहीं है। आरजेडी के लोगों को अपने दल की चिंता होनी चाहिए, उनके दल में कितना क्या हो रहा है, कितना गुटबंदी है नहीं है, उनको अपने दल के लोगों को समेट के रखना चाहिए। अभी देखे होइएगा कि उनके दल से कुछ लोग बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए। बीजेपी भी आरजेडी के चाचा भतीजा में झगड़ा लगावे के आरोप के सुन के लाल हो गई और आरजेडी पर अनाप शनाप बोले के आरोप लगावे लागल। कि आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति एक देश का युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीतिक धरातल सच्चाई को न जानते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, न कोई विजन है उनके पास। जो लिख के देता है, जो समझाता है, वही वो बोलते हैं। वही हर बिहार में भी एक युवराज तेजस्वी यादव जी का है। चिराग पासवान अभी केंद्र सरकार में मंत्री बाड़न, पीएम मोदी के दुलरुआ बतावल जालन। एह सब के बीच हाल के दिन में कई ऐसन मौका आईल जब वो केंद्र सरकार के फैसला से सहमत ना दिखलन। चाचा के साथ भी उनका संबंध ठीक नहीं है, यही कारण बा कि उनका के लेके एह तरह के सियासत हो रहल बा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब आरजेडी के लड़ाई वाला राजनीति के बुझी जा। बिहार में अभी एनडीए के सरकार बा। एनडीए बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में बा।
चिराग के विरोध के बावजूद 2020 में एनडीए सरकार बन गई। अब तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में शामिल हो गए बड़े। एनडीए की मजबूती तेजस्वी के सपना में सबसे बड़का रोड़ा बा। एनडीए मजबूत रही तब बिहार में फिर से एनडीए के ही सरकार बन सकता। ऐसे में तेजस्वी यादव के सीएम बने के सपना सपने रह जाए। यही से आरजेडी के नेता एनडीए में मनमुटाव पैदा करे के कोशिश करता रहे, दरार डाले के कोशिश करता रहे। बढ़ी जा आगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के नसीहत देले बड़न। मांझी कहलन कि चिराग के ई बात समझे के चाहिए कि SC ST आरक्षण के समीक्षा जरूरी बा, ताकि जवना जाति के लोग आरक्षण के लाभ से छूट गए बड़न, उनको उनकर हक मिल सके। 18 जातियां सबर करेगी, ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ 6-1 के बहुमत से एगो ऐतिहासिक फैसला सुनावलस। कोर्ट के फैसला में कहल गई कि सब राज्य के सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खातिर सब कैटेगरी बना सकेला, ताकि सबसे जरूरतमंद के आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके।